अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। मैं आज अचार गोश्त की रेसिपी घर के मसालों से बना रही हूँ। इसके लिए मैं पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। आधा किलो दही, 1 किलो चिकन, 1.5 टेबल स्पून मेथरे, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, फुल टी स्पून पिसी हुई हल्दी, फुल टी स्पून नमक, 1 प्याज मीडियम साइज़ की, और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे हम। मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। दो बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। पहले पूरे 5 मिनट में मैंने मीडियम फ्लेम पे प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा पहले भून लूँगी। मुर्गा मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक, दही के अंदर पिसी हल्दी, सुरख मिर्च, सौंफ, लौंजी और मेथी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। मैंने सारे मसाले ऐड करने के बाद दही में इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और 5 मिनट के अंदर चिकन भी फ्राई हो चुका है। ये देखिए इसका कलर वाइट हो गया चिकन का। अब मैंने इसके अंदर जो दही का मिक्सचर बनाया है वो ऐड कर दूंगी। ये मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं पहले इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। पहले इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की हुई थी, अब मैं थोड़ी सी हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे। स्पाइसेस के लिए चिकन में मैं इसके अंदर मिर्च ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ऐसे कट लगा दिया है। ये चिकन मैंने भूनने के लिए रखा हुआ है, इसके अंदर मैं मिर्च ऐड कर दूंगी। मैंने हर एक मिर्च में कट लगा लिया था जैसे मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दही का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। ये देखें इसका मसाला तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम चिकन को गलाने के लिए इसके नीचे सबसे पहले लो फ्लेम करेंगे और लो फ्लेम करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। पूरे 15 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा था पकने के लिए। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बन के तैयार है। और ये देखें ये गल गया तकरीबन चिकन। ये देखें
टेस्टी अचार गोश्त की डिश तैयार है बनके। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके अंदर मैंने घर के मसाले यूज़ किए हैं साबत, इसके अंदर मैंने कलौंजी यूज़ की है जो बहुत ही बेस्ट है सेहत के लिए। इसमें तकरीबन मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह यूज़ कर लें, और अगर आप चाहें तो पैकेट वाला मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे इस तरह बनाएं, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।